अस्सलाम वालेकुम। तो सीन कुछ ऐसे है कि मंगला पहुँचे हैं और यहाँ से मैंने डलवाया है पेट्रोल, गो पेट्रोल पंप। पेट्रोल अच्छा होता है इनका खालस। और ये रहा हमारा कुल सासा। थोड़ी ठंडी ठंडी फील हो रही थी तो मैंने सोचा जैकेट पहन लेते हैं इससे पहले कि काम ख़राब हो जाए। तो अभी बस जैकेट पहननी है और उसके बाद फिर मिलते हैं किला रोहतास। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मैं पहुंच आया हूँ जीटी रोड पे। इस वक्त जीटी रोड डीना पे मौजूद हूँ और ये कंडीशन है जीटी रोड की। ये रहा किला रोहतास जाने का रास्ता और बस अभी इधर से निकलूँगा इंशाल्लाह और मिलूँगा आपसे किला रोहतास तकरीबन 5-10 मिनट में इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा। मिलते हैं किला रोहतास। व्यू कुछ ऐसे है कि ये रहा किला रोहतास और ये किला रोहतास की एंट्रेंस। ये रोड जा रही है और ये रहा जी हमारा बाइक और यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। आपको भी व्यू दिखाएंगे इस ट्रैक का क्योंकि मैं खुद इस ट्रैक पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। क्योंकि किला रोहतास तो काफ़ी दफ़ा आया हूँ लेकिन इस ट्रैक पे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि फुल ट्रैक आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। ठीक है, इतना टिकट मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हम पहुंच रहे वाले हैं रेसिंग ट्रैक पे जहाँ पे 70cc, 125cc और 250cc आई थिंक प्रो बाइक्स की कैटेगरीज के रेसिंग होनी है और आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे। आसिफ रजा फ्रॉम रावलपिंडी। जी किला रोहतास से पहले जो ब्रिज, हम उसके बिल्कुल नीचे हैं। बिल्कुल नीचे नहीं है, थोड़े साइड पे हैं। अच्छा, तो उस साइड से रेस स्टार्ट होगी और यहाँ से बाइक्स होते हुए आएंगे और यहाँ पे वो उल्टी सीधी छलांगे लगाएंगे और फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये एक ही ट्रैक पे उनकी रेस होगी या 2-3 बार वो चक्कर लगाएंगे? ट्रैक है तो पहले 70cc की हुई है तो उन्होंने एक राउंड लगाया। ठीक, फिर उसके बाद होंडा 125cc की कैटेगरी आई, उन्होंने 3 राउंड पे विन किया। मतलब वो 3 चक्कर लगाने होते हैं। ठीक हो गया। तो जो इससे ऊपर कैटेगरी के बाइक्स हैं वो जी व्यूअर, जब तक रेस स्टार्ट होती है हम ट्रैक के एरियल व्यू को एंजॉय करते हैं। सीन कुछ ऐसे है।